और बिहार सरकार के नए फरमान की बात करते हैं, तुगलकी फरमान कह सकते हैं। सुशासन बाबू के एक फरमान की मीडिया कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे तो नीतीश कुमार भड़क जाते हैं। जनता सोशल मीडिया पर सवाल पूछे, ये भी बिहार सरकार को मंजूर नहीं है। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिस पर विवाद होना लाजमी भी था और हो भी रहा है और राजनीति भी हो रही है। सर्कुलर को नीतीश सरकार की तानाशाही करार दिया जा रहा है। बिहार की नीतीश सरकार के एक नए फरमान से सियासी भूचाल आ गया है। इस फरमान में साफ साफ लिखा है कि सोशल मीडिया पर सांसद, मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर एक्शन हो सकता है। यानी अगर आपने बिहार के माननीयों को सोशल मीडिया पर घेरा तो बिहार पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी। इस फरमान के खिलाफ सबसे पहले तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला और सरकार को सीधे चुनौती दी। साठ घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षकर्ता, अनैतिक और अवैध शराब के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, अभी आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार करो। नीतीश सरकार के इस नए फरमान को लेकर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। सर्कुलर देखकर यही लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री का तुगलकी फरमान है, अपने पदाधिकारियों से निकलवाने का काम किया गया है। क्योंकि उनकी नाकामियों को सोशल मीडिया दिखाती है, देश और दुनिया देखती है, इसलिए बचने के लिए ये तुगलकी फरमान जारी किए हैं। हिटलर शाही करने का काम कर रहे हैं। साइबर क्राइम की श्रेणी में अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना, असंसदीय वाक्यों का इस्तेमाल किया जाना, गाली गलौज की भाषा से बात करना, अगर ये अपराध है तो अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस पत्र में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियों को कोई ऐतराज होना चाहिए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का ये दुरुपयोग है। और तेजस्वी ने चुनौती दी तो सरकार की तरफ से जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। विपक्ष को इतना खौफ क्यों सता रहा है? ऐसा तो नहीं कि वही लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके दंगा फैला रहे हैं? राज्य की आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य के सभी सचिवों को ये सर्कुलर भेजा है, जिस पर अब सफाई दी जा रही है। ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है सर, इस तरीके की बातें अगर आप लिखते हैं, अवांछित टिप्पणी करते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ, सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ? ना सिर्फ सरकारी पदाधिकारी या अधिकारी के खिलाफ, बल्कि किसी के भी संबंध में यदि कोई अफवाह फैलाई जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, साइबर वर्ल्ड के माध्यम से, तो ये आईटी एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध है और ये सभी के लिए लागू होता है। कहने को तो ये सर्कुलर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ है, लेकिन इस आदेश को सोशल मीडिया पर नीतीश की हिटलर शाही कहा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।